अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी फूड्स किचन। आज की वीडियो में आप एक ऐसा अचार देखने वाले हैं जिसे आप बनाकर फौरन एंजॉय कर सकते हैं। इस अचार को खाने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, साथ साथ इस अचार को आप सेव करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये अचार इजिली बन जाता है। अचार बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 2 कप मूली और 2 कप गाजर जो कि मैंने फिंगर शेप में काट ली है, 1/2 कप लहसुन के जवे, 1 पाव लीमू, 1 पाव सब्ज मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच मेथरे, 1 चम्मच राई दाना, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच खुश्क धनिया। इन सब मसालों को मोटा मोटा पीस लूंगी। सबसे पहले 1/2 कप सरसों का तेल डालकर गर्म कर लूंगी, साथ ही लहसुन डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। फिर इसमें कुटे हुए सारे स्पाइसेस ऐड करके 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। अब सारी सब्जियां डालकर बाकी के स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। बाकी का जो बचा हुआ तेल है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारा अचार खराब ना हो। 6 से 7 मिनट के लिए इनका पानी अच्छी तरह ड्राई कर लूंगी। अब फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर लेती हूँ। आप इसे किसी जार या कंटेनर में डालकर लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।